ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं योगेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो किंग पे। आज की वीडियो में बात करेंगे केतु खाना नंबर 10 में हो तो क्या इसके पॉजिटिव और क्या इसके नेगेटिव सिम्टम्स देखे जाते हैं, साथ ही साथ इसकी रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं केतु 10 में। केतु 10 के समय केतु का फैसला शनि से होगा, लेकिन माल और दौलत पर केतु मंदा नहीं होगा, सिर्फ औलाद पर मंदा हो सकता है। केतु 10 के समय केतु का फैसला शनि से होगा, लेकिन माल और दौलत पर केतु मंदा नहीं होगा, सिर्फ औलाद के लिए मंदा हो सकता है। केतु 10 में हो, अच्छा हो तो कुंडली वाला चुपचाप अपने रास्ते चलने वाला होगा, जिनका भी केतु 10 में है। और अगर अच्छा है तो व्यक्ति चुपचाप काम करने वाला, यानी कि जैसे कि शांत कुत्ता, केतु को कुत्ता कहा गया, यानी कि ये शांत कुत्ता कह सकते हैं, यानी कि जो शांत कुत्ता अपना चलता जाए। केतु 10 में हो, अच्छा हो तो कुंडली वाला चुपचाप अपने रास्ते चलने वाला होगा। केतु 10 के समय जिस कदर कुंडली वाले को उसके भाई उजाड़ता जाए और कुंडली वाला माफ करता जाए कभी कंगाल नहीं होगा। यानी कि केतु 10 के समय अगर कुंडली वाले का भाई इसको तंग कर रहा है या इसको उजाड़ना चाह रहा है तो ये उसको माफ करता जाए तो इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। अगर कुंडली वाला चरित्रहीन हुआ तो औलाद पर असर होगा, यानी जिनका भी केतु 10 में अपने चरित्र को संभाल के रखें, यानी कि पर स्त्री गमन से थोड़ा अपना बचाव रखें। केतु 10 में हो, अगर शनि मंदा हो तो केतु की चीजें कुंडली वाले के ऊपर 24 से 28 साल तक मंदा असर करेंगी। यानी केतु 10 के समय अगर शनि मंदा हो तो केतु की चीजें कुंडली वाले के ऊपर 24-28 तक इनका मंदा असर होगा। केतु 10 के समय कुत्ता रखना बहुत जरूरी है, जिनका भी केतु 10 में है इनको कुत्ता पालना बहुत ही जरूरी है, और साथ ही साथ चाल चलन अपना बहुत अच्छा रखें। केतु 10 के समय शनि 6 में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा खिलाड़ी होगा, यानी कि बहुत अच्छा प्लेयर होगा और नामी व्यक्ति होगा, बहुत नेम एंड फेम होगा, कोई भी गेम में हो सकता है और बहुत अच्छा खिलाड़ी होगा। केतु 10 के समय अगर औलाद होने में देरी हो तो इसके लिए एक उपाय है कि चांदी के बर्तन में शहद भर के वीराने में दबाएं। केतु 10 के समय अगर औलाद होने में देरी हो रही है तो चांदी के बर्तन में शहद भर के वीराने में, यानी किसी भी सुनसान जगह में दबाएं। केतु 10 का उपाय मंगल से होगा, लेकिन मंगल केतु इकट्ठे खाना 10 में हो तो दोनों खराब होंगे। केतु 10 के समय केतु का उपाय मंगल से होगा, लेकिन मंगल केतु इकट्ठे खाना 10 में हो तो दोनों खराब होंगे। कुंडली वाला अय्याश होगा और सोना भी मिट्टी कर देगा। केतु 10 का हो उपाय मंगल से होगा, लेकिन मंगल केतु इकट्ठे खाना 10 में हो तो दोनों बर्बाद होंगे, यानी खराब होंगे। कुंडली वाला अय्याश होगा, सोना भी मिट्टी कर देगा अपना। साथ ही साथ चंद्रमा का उपाय मददगार होता है। केतु 10 के समय शनि 4 में हो, राहु के साथ हो, अगर मंगल केतु को टक्कर मारे या संबंध में हो जाए कुंडली वाले के 3 नर औलाद खत्म हो सकती है और दौलत पर कभी भी मंदा असर नहीं पड़ेगा। केतु 10 के समय शनि 4 में हो, राहु के साथ, अगर मंगल केतु को टक्कर मारे, यानी केतु 10 के समय शनि 4 में हो, यानी कि केतु 10 के समय अगर राहु 4 में ही होगा तो उसके साथ शनि हो तो मंगल केतु को टक्कर मारे या संबंध में आ जाए तो कुंडली वाले की 3 नर औलाद खत्म हो सकती है और दौलत पर फिर भी कभी मंदा असर नहीं होगा। केतु 10 के समय अगर मंदा असर आ रहा है तो आप अपनी दहलीज में, यानी मकान की दहलीज में चांदी की पत्री, किसी भी चांदी की कटोरी में, किसी भी चांदी के बर्तन में आप शहद भर के अपनी दहलीज के नीचे दबाएं, इससे भी केतु 10 के मंदे असर से बहुत बचाव होगा। सो, आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरे से कंसल्टेशन चाहिए तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस नंबर पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।